उपमहापौर की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक की गई। बैठक में कोरोना जैसी आपदा से नागरिकों को और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई निर्णय लिए गए। इस दौरान सभी 36 वार्ड के हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए, इसके लिए 2 अतिरिक्त सैनिटाइजर वाहन रखने का निर्णय लिया गया। वहीं इस दौरान सभी वार्ड पार्षद को आवश्यक केमिकल उपलब्ध हो इसकी बात कही गई, ताकि वार्ड पार्षद मैनुअल मशीन से सक्रिय गलियों में प्रत्येक घर तक सैनिटाइजेशन का काम करा सके। इधर कोरोना काल में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए 30 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखने की स्वीकृति दी गई। वहीं सभी वार्ड पार्षदों को 2 बोरा ब्लीचिंग, 4 बोरा चूना और 2 पैकेट गैमेक्सिन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में समुचित लाइट व्यवस्था करने तथा नियमित साफ सफाई कराने की स्वीकृति दी गई। इस दौरान उपमहापौर प्रकाश राम और सभी सदस्यों ने आकांक्षा इंटरप्राइजेज की कार्यशैली पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी वार्डों से कूड़े के नियमित उठाव सुनिश्चित हो, साथ ही कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु आवश्यक सामान उपलब्धता सुनिश्चित हो। बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य वार्ड पार्षद सुमित कुमार, गुड्डू यादव, सरिता श्रीवास्तव, रानी देवी, मोहम्मद शाहबाज, अशोक राम, नगर निगम के पदाधिकारी मंजूर आलम आदि उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से समिति से लिए गए सभी निर्णय के अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में नगर निगम अपनी भूमिका निभा सके।